The topic is a handling of fresh histological specimen tissue, cryo and frozen section of fresh and unfixed tissue and freeze drying. Cryostat and frozen section. ठीक है, cryostat क्या होता है? Cryostat एक instrument है. Cryostat is an instrument which is used to prepare a frozen section. Cryostat आपका एक instrument होता है जो कि आप frozen section को prepare करने के लिए use करते हो. अब frozen section हमें क्यों चाहिए होता है? फ्रोजन सेक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए, हमारे पास माइक्रोस्कोपी करने के लिए बहुत कम टाइम होता है या रिजल्ट को डिस्पैच करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है. उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फ्रोजन सेक्शन प्रिपेयर करते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली जब हमारे पास टिश्यू आता है तो हम सबसे पहले टिश्यू को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. इसमें फिक्सेटिव में हम टिश्यू को सबसे पहले फिक्स करते हैं. ठीक, फिक्स करने के बाद हम सबसे पहले डिहाइड्रेशन करते हैं. डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग करते हैं. क्लियरिंग करने के बाद हम इम्प्रिग्नेशन करते हैं. एंड देन लास्ट में हम एम्बेडिंग करके, उसकी सेक्शन कटिंग करके हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं. किसके लिए? स्टेनिंग के लिए. बट फ्रोजन सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप को हम क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं. डायरेक्टली हम टिश्यू को क्या करते हैं? लो टेम्परेचर पे फिक्स करके उसको क्या करते हैं? हार्ड कर देते हैं. ठीक है, जब वो लो टेम्परेचर पे टिश्यू फिक्स हो जाता है और हार्ड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक फ्रोजन सेक्शन कहते हैं. ठीक है, फ्रोजन सेक्शन का अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है? उस फ्रोजन सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रायोस्टेट इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं. अब फ्रोजन सेक्शन हम कहाँ कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फ्रोजन सेक्शन का यूज़ क्या क्या होता है? फ्रोजन सेक्शन आप सबसे पहले यूज़ करते हो किसमें? रैपिड प्रोडक्शन ऑफ सेक्शन फॉर इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इन शॉर्ट इमरजेंसी. इमरजेंसी के टाइम पे हम फ्रोजन सेक्शन का यूज़ करते हैं. अब किस टाइप की इमरजेंसी? इमरजेंसी आप कह सकते हो कि जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में, या कोई सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में किसी कैंसर पेशेंट की सर्जरी अटेम्प्ट करता है या सर्जरी करता है, तो उस कंडीशन में समटाइम जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है, वो कई बार क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स के बीच में. तो उस सिचुएशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि उस पार्ट के एक छोटे से पीस या टिश्यू के सैंपल को लेबोरेटरी में सेंड करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो ये टिश्यू है, इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं या फिर कैंसर सेल्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ सर्जरी टिश्यू सैंपल को सेंड करते हैं कहाँ पे? लेबोरेटरी में. तो इस टाइम पे जो टेक्नीशियन होते हैं और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास सिर्फ मिनिमम 30 और मैक्सिमम 1 आवर का टाइम होता है टिश्यू को सेक्शन प्रिपेयर करने का, स्लाइड प्रिपेयर करने का, स्टेन करने का और माइक्रोस्कोपिक करके रिजल्ट डिस्पैच करने तक का टाइम जो होता है वो सिर्फ मैक्सिमम 1 आवर का टाइम उनके पास होता है. तो इस टाइम पे हम नॉर्मली अगर प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं फिक्सिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रिग्नेशन, एम्बेडिंग, तो इसमें हमारे कितने 4 से 6 घंटे का टाइम हमें इसमें लग जाता है. तो हम इस प्रोसेस को स्किप करके हम क्या करते हैं? डायरेक्टली फ्रोजन सेक्शन प्रिपेयर करते हैं. फ्रोजन सेक्शन हम क्या करते हैं? एक चैम्बर में जो क्रायोस्टेट होता है, उसका क्रायोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक चैम्बर होता है, एक फ्रीजिंग चैम्बर होता है, जिसके अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है. तो उस चैम्बर के अंदर हम टिश्यू को रख के उसको क्या करते हैं? हार्ड करते हैं. जैसे ही वो एक हार्ड फ्रेम में बन जाता है या एक फ्रेम जब उसका बन जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? माइक्रोटोमी फिक्स करके उसको सेक्शन कटिंग करके हम अपना टिश्यू का स्मेयर या सेक्शन का स्मेयर हम प्रिपेयर कर देते हैं और डायरेक्टली स्टेन करके और हम माइक्रोस्कोपी करके रिजल्ट को डिस्पैच कर देते हैं. तो फर्स्ट तो ये आपका हो गया क्या? इमरजेंसी. किस टाइप की? इस टाइप की इमरजेंसी जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कई बार क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं किसके? नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स के बीच में. ठीक है, तो उस टाइम पे हम फ्रोजन सेक्शन यूज़ करते हैं ताकि हम डॉक्टर को एक क्लियर रिजल्ट दे सकें और पेशेंट की एक बिल्कुल सही सर्जरी हो सके. ठीक है, डॉक्टर कंफ्यूज ना हो कैंसर सेल्स और नॉन कैंसर सेल्स में. ठीक, तो ये आपका हो जाता है इमरजेंसी में. ठीक, दूसरा आपका आता है डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, यानी कि जब हम टिश्यू में प्रेजेंट एंजाइम्स का
डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, उस केस में भी हम क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन हम यूज़ करते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो कई बार फिक्सेटिव, यानी कि जो फिक्सेटिव्स या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स या फिर क्लियरिंग सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम पे, वो क्या कर सकते हैं, टिश्यू में प्रेजेंट एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए हम वो टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्टली एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भी हम फ्रोजन सेक्शन को यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है आपका नॉन एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट, सेम वही कंडीशन आ जाती है। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड आपके क्या केमिकल एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड भी क्या होता है, लिपिड आर अ वाटर इन सॉल्यूबल बट सॉल्यूबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि लिपिड जो होते हैं वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। तो अगर आपके जो लिपिड्स होते हैं अगर आप उनको फिक्स करते हो, डिहाइड्रेटिंग करते हो या जो भी करते हो, यानी कि जो टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप होता है, अगर उन स्टेप्स में जो सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं, जो रिएजेंट आप यूज़ करते हैं, उन रिएजेंट में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट है यानी कि लाइक क्लोरोफॉर्म या अल्कोहल या कुछ भी है, तो वो लिपिड क्या हो जाएगा, उसके साथ डिसॉल्व होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास टिश्यू में उस टाइप का हमें कोई लिपिड मिल ही नहीं पाएगा जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। सेम कंडीशन कार्बोहाइड्रेट में भी आती है कि मे बी जो आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डैमेज कर सकते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या लिपिड्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या एंजाइम्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप को स्किप करके हम फ्रोजन सेक्शन इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि जो एंजाइम्स लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डैमेज ना हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन यूज़ करते हैं। फोर्थ आपकी जो कंडीशन होती है वो है इम्यूनोफ्रोजन मेथड में आप क्या करते हो, फ्रोजन सेक्शन का यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्रायोस्टेट। अब क्रायोस्टेट क्या होता है, क्रायोस्टेट आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, या एक चैम्बर कह सकते हैं इसको, या आप इसको एक एपरेटस कह सकते हैं जिसके अंदर आप बहुत ही लो टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ये एक चैम्बर है, फ्रीजिंग चैम्बर होता है, इसके अंदर माइक्रोटोम भी प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोटोम की हेल्प से आप इसमें सेक्शन कटिंग कर सकते हो ईजिली, और जो इसमें सेक्शन कट किया जाता है वो 5 माइक्रोमीटर इसका जो थिकनेस होता है सेक्शन का, वो क्या होता है, थिकनेस होता है 5 माइक्रोमीटर, ठीक। तीसरा इसमें क्या, क्रायोस्टेट आर यूज इन अ मेडिसिन टू कट अ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, ठीक। दे आर यूजली यूज इन अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन हिस्टोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है, द क्रायोस्टेट इज असेंशियल एंड अल्ट्रा फाइन डिलाइट स्लाइसर कॉल्ड एज अ माइक्रोटोम प्लेस इन द फ्रीजर, ठीक। नेक्स्ट अब क्रायोस्टेट, ठीक है, अभी मैंने बताया कि क्रायोस्टेट आपका क्या है, क्रायोस्टेट आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। एक मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर आप इस क्रायोस्टेट को टिश्यू सैंपल के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्रायोस्टेट के अंदर क्या होता है, क्रायोस्टेट एक फ्रीजिंग चैम्बर है और इसके अंदर माइक्रोटोम क्या होता है, फिट होता है, फिक्स होता है, लगा हुआ होता है। तो आप इसके अंदर टिश्यू को फिक्स करने के साथ, प्रिजर्व करने के साथ साथ आप उस टिश्यू का सेक्शन कटिंग भी इजीली कर सकते हो, और आपको एक थिन स्लाइसेस मिल सकते हैं, थिन पीसेस मिल सकते हैं उस टिश्यू के, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, या उन टिश्यू या उन स्लाइसेस को, स्लाइसेस का स्मेयर बना के स्ट्रेन करके आप उसका इजीली माइक्रोस्कोप कर सकते हो और रिजल्ट क्या कर सकते हो, डिस्पैच आप कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है, द स्लाइस्ड पीस मस्ट बी सो थिन एज टू लुक नियरली ट्रांसपेरेंट, और जो आप इसमें स्लाइसेस जो कट किया जाता है वो बहुत ही क्या होने चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि आपको एक बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, ठीक। नेक्स्ट है इसका, अ पैथोलॉजिस्ट अ लेबोरेटरी डॉक्टर ट्रेन टू आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ डिजीज इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देन एग्जामिन द स्लाइस टू कन्फर्म अ रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज सच एज कैंसर। जो पैथोलॉजिस्ट और लेबोरेटरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं इस टाइप की माइक्रोस्कोपी करने के लिए, ठीक है, और डिजीज सेल्स को कंफर्म करने के लिए, लाइक कैंसर सेल्स को कंफर्म करने के लिए, ठीक।
अब आते हैं हम क्रायोस्टेट पे। इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये आपका क्रायोस्टेट होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम में आपका एक फ्रीजिंग माइक्रोटोम भी आया होगा। तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम को रिप्लेस किया गया है किसके किससे क्रायोस्टेट से। ठीक है, जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम हम यूज़ करते थे तो उस माइक्रोटोम के उस माइक्रोटोम का मतलब भी यही था कि फ्रोजन सेक्शन को प्रिपेयर करके हम सेक्शन कटिंग करते थे। तो उसमें क्या होता था, एक ऐसा फ्रीजिंग चैम्बर तो नहीं होता था, बट उसमें क्या करते थे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से हम क्या करते थे उस माइक्रोटोम के टेम्परेचर को क्या करते थे मेंटेन करके या लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, तो पुराने अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है फ्रीजिंग माइक्रोटोम को क्रायोस्टेट से। ठीक है, तो क्रायोस्टेट में क्या होता है, क्रायोस्टेट आपका ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो सामने, तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका मिडिल पोर्शन, इस मिडिल पोर्शन में क्या होता है आपका फ्रीजिंग चैम्बर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेचर को क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं। सबसे ऊपर जो आपका ये होता है ये आपका क्या है, ये आपका मेन कंट्रोल पैनल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग डिस्प्लेज हैं, यानी कि फर्स्ट जो डिस्प्ले होती है ये आपको बताती है कि अभी जो इस चैम्बर का टेम्परेचर क्या है प्रेजेंट, मतलब इस टाइम पे चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दूसरा डिस्प्ले है इसमें आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर जितना आपको चाहिए उतना आप इन नोब्स की हेल्प से सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके कंट्रोल पैनल का काम होता है, यानी कि आप नोब्स की हेल्प से आप इस टेम्परेचर इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। एक डिस्प्ले में आपको ये दिखाई देता है कि अभी इसका टेम्परेचर कितना चल रहा है। ठीक है, और ऑन ऑफ करने के लिए भी ये नोब्स यूज़ करे जाते हैं। दूसरा ये आपका यहाँ पे जो ये है ये ग्लास क्या है, स्लाइड ग्लास डोर है, यानी कि ये डोर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आप टिश्यू को रख सकते हो और इसी के अंदर आपका माइक्रोटोम फिक्स्ड होता है। दूसरा ये क्या है, लॉक्ड हैंडल व्हील, यानी कि ये आपके माइक्रोटोम का हैंडल इसके बाहर अटैच रहता है। इस हैंडल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोटोम को हैंडल कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो, सेक्शन कट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ के इसके साइड में, लेफ्ट साइड में भी क्या होते हैं, स्मॉल कंट्रोल पैनल्स होते हैं जो कि इसके टेम्परेचर या इसके ऑन ऑफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक, लास्ट में इसका जो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे आपका वेस्ट बॉटल लगा हुआ होता है, यानी कि जब आप सेक्शन कटिंग करते हो तो कोई जो वेस्ट बच जाता है तो वो इस बॉटल में आके यहाँ पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब इसके अंदर के पोर्शन में। ये मैंने यहाँ पे पहले बताया था, ये आपका कंट्रोल पैनल है, मेन कंट्रोल पैनल, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर आपका सेट किया गया है कि इतना टेम्परेचर हमारा लाइक -33 डिग्री सेल्सियस में सेट कर रखा है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर शो होता है कि इस टाइम पे कितना टेम्परेचर इसका चल रहा है। यहाँ पे इसमें टाइमिंग सेट किया गया है कि कितना टाइमिंग लगे, कितना टाइम लगेगा या कितने टाइम में ये टेम्परेचर सेट हो जाएगा। ठीक, ये ऑन ऑफ के यहाँ पे स्विच हैं, नोब्स हैं। ठीक, अब इसका जो ये ग्लास लेट जो मैंने बताया था, उस ग्लास लेट के अंदर ये आपका माइक्रोटोम फिक्स्ड है। ये जो ये दिख रहा है ये आपका क्या है, ये माइक्रोटोम है। ठीक है, इस माइक्रोटोम का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है, सैंपल होल्डर पोर्शन, यानी यहाँ पे आप सैंपल को फिक्स करके इजीली सेक्शन कट कर सकते हो। ये जो यहाँ पे है ये आपका क्या है, माइक्रोटोम नाइफ। ठीक, यहाँ पे ये नाइफ अटैच्ड है जिसकी हेल्प से इजीली आपको थिन स्लाइसेस मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो अंदर का आपका पोर्शन है ये। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके आते हैं क्रायोस्टेट टेक्निक। अब क्रायोस्टेट टेक्निक क्या होती है, टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी फ्रोजन सेक्शन द टिश्यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर। ठीक है, एक आपको एक अच्छे फ्रोजन सेक्शन के लिए आपको टिश्यू को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ता है। जब हमारे पास एक अनफिक्स्ड टिश्यू से हमें एक बहुत अच्छा फ्रोजन सेक्शन मिलता है कंपेयर टू एक फिक्स टिश्यू, यानी कि फिक्स टिश्यू हम किसे कहते हैं, जिन्हें हमने फिक्सेटिव में फिक्स कर रखा है, वो आपके हो गया फिक्स टिश्यू। अनफिक्स टिश्यू वो टिश्यू जो आपके पास डायरेक्टली कहाँ से आए हैं, डायरेक्टली डॉक्टर ने लैब में आपको सेंड किया है या जिसको आपने फिक्सेटिव में फिक्स नहीं किया है, डायरेक्टली आपको ऑपरेशन थिएटर से आपकी लैब में वो आया है, वो आपका क्या हो गया, अनफिक्स टिश्यू हो गया। फिक्स टिश्यू यानी कि जो ऑलरेडी फिक्सेटिव में फिक्स्ड था और अब आप उसका फ्रोजन बना रहे हो या फ्रोजन सेक्शन उसका प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट, मतलब ये दोनों इसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन है इन दोनों का। ठीक है, फिक्स्ड टिश्यू को फ्रोजन
करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसमें टेम्परेचर हमें ज़्यादा रखना पड़ता है कंपेयर टू अनफिक्स टिश्यू के, बिकॉज अनफिक्स टिश्यू में कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है, वो बिल्कुल एक फ्रेश टिश्यू बॉडी से निकाला गया होता है, तो आप उसको ईजीली फ्रोजन सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे आपके पास जब सैंपल आता है ऑपरेशन थिएटर से, तो आप क्या करोगे, आप टिश्यू के अकॉर्डिंग क्रायोस्टेट का टेम्परेचर फिक्स करके उस फ्रेश टिश्यू को क्रायोस्टेट के अंदर रख के उसके लिड को बंद कर देते हैं। लिड को बंद करने के बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, टाइम आपने जो सेट किया होता है वो जब पूरा हो जाता है, तो आप जब लिड ओपन करते हो तो आपको एक बिल्कुल फ्रेम्ड टिश्यू मिल जाता है, ठीक है। और फिक्स टिश्यू में थोड़ा टाइम लगता है टिश्यू का फ्रेम बनने में या टिश्यू हार्ड होने में, तो फिक्स टिश्यू में थोड़ा क्या होता है आपका टाइम लगता है, ठीक। जितना अच्छा फ्रोजन सेक्शन बनता है उतना ही अच्छा आपको क्या मिलते हैं, उतना ही अच्छा आपका स्मेयर बनता है और उतना ही बेटर आपका रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हम फ्रीजिंग मीडिया यूज़ करते हैं, क्रायोस्टेट में हम अलग अलग फ्रीजिंग मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रोजन सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट जैसे आपका हो गया लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन आपका एक फ्रीजिंग मीडिया है जो हम फ्रोजन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपका, -90 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका वो है आइसोपेंटेन कोटेड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, ये आपका होता है -180 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आपका होता है ड्राई आइस। फोर्थ आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका टेम्परेचर है -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये अलग अलग क्या हैं, ये सारे फ्रीजिंग मीडिया हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली सेक्शन को फ्रीज कर लेते हैं या फ्रोजन सेक्शन हम प्रिपेयर कर देते हैं जिनकी हेल्प से इजीली, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग फ्रोजन सेक्शन इज सिंपल। व्हेन द टिश्यू इज फ्रोजन द वाटर इन द टिश्यू टर्न टू द आइस एंड इन दिस स्टेट द टिश्यू इज फ्रेम, ठीक है। आइस एक्ट एज अ एम्बेडिंग मीडिया टू मीडिया, द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रोजन ब्लॉक कैन बी चेंज्ड बाय वेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। रेड्यूस टेम्परेचर विल प्रोड्यूस अ हार्डर ब्लॉक, वेयर एज इंक्रीज टेम्परेचर प्रोड्यूस अ सॉफ्ट ब्लॉक, ठीक। अब प्रिंसिपल में क्या आता है कि जो फ्रोजन सेक्शन हम प्रिपेयर करते हैं सिंपली, तो टिश्यू में प्रेजेंट जो वाटर होता है जब हम फ्रोजन सेक्शन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि क्रायोस्टेट के अंदर जब आपने टिश्यू को रखा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो उस टिश्यू के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो लो टेम्परेचर पे आते आते आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस स्टेट में टिश्यू एक फ्रेम ले लेता है, एक फ्रेम की तरह बन जाता है, हार्ड बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पूरे टेक्निक में या इस पूरे मेथड में जो आइस होती है वो एक एम्बेडिंग मीडिया की तरह काम करती है। लाइक जैसे हम नॉर्मल जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है इसमें हम एम्बेडिंग मीडिया यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं एक ब्लॉक प्रिपेयर करने के लिए, तो फ्रोजन सेक्शन में जो आइस होती है, यानी जो आइस होती है वो एम्बेडिंग मीडिया का काम करती है, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर और इस प्रोसेस में जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, तो वैसे वैसे टिश्यू का जो फ्रेम होता है वो अलग अलग स्टेट में आ जाता है। लाइक जैसे अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो तो टिश्यू और ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड होने लगता है, और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टिश्यू क्या हो जाता है आपका, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक। तो ये तो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेनली यही है कि टिश्यू में प्रेजेंट जो वाटर होता है, तो जब आप टिश्यू को लो टेम्परेचर पर रखते हो तो टिश्यू में प्रेजेंट जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस एक क्या करता है, एम्बेडिंग मीडिया का काम करता है, और आपको एक हार्ड ब्लॉक मिलता है जिससे आप इजीली सेक्शन कट कर सकते हो। तो अब इसका लास्ट है आपका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, क्रायोस्टेट में एक डिसएडवांटेज आपका आता है आर्टिफैक्ट, ठीक है। आर्टिफैक्ट यानी कि जब आपने क्या करा, आपके पास टिश्यू आया, आपने उसको फ्रोजन सेक्शन बनाया, उस टिश्यू का फ्रोजन सेक्शन बनाया, कटिंग करी, सेक्शन कटिंग करी, सेक्शन कटिंग करने के बाद आपने स्लाइड प्रिपेयर करी, तो सेक्शन कटिंग तक तो वो टिश्यू क्रायोस्टेट के अंदर है, यानी कि एक लो टेम्परेचर में है, लेकिन जैसे ही आप उसका स्लाइड बना देते हो तो आप एक आप उसको रूम टेम्परेचर पर ले आते हो स्टेन करने के लिए। तो जैसे वो रूम टेम्परेचर पर आता है तो जो आइस, जो वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ था वो वापस से वो आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो आइस वापस से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है।
तो जब आप स्टेन करते हो, स्टेन करने के बाद जब आप माउंट करते हो, माउंट करने के बाद जब आप माउंटिंग मीडिया डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हो, तो वो जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ था टिश्यू के अंदर, उसमें क्या होता है, वो एक बबल्स का शेप ले लेता है। ठीक है, तो एक बबल्स का शेप लेने की वजह से उसमें जो आपका स्मेयर होता है उसमें होल्स दिखाई देते हैं, तो वो एक टाइप के उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम आर्टिफैक्ट करते हैं। तो वो होल्स या वो बबल्स क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, एरर क्रिएट करते हैं। तो ये इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक, और एक नॉर्मल इसमें नोट ये है कि जो फिक्स टिश्यू मैंने आपको बताया था कि हम फिक्स टिश्यू और अनफिक्स टिश्यू से हम क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि जो फिक्स टिश्यू होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपेयर टू किसके, अनफिक्स टिश्यू में। ठीक है, तो फिक्स टिश्यू सेक्शन के लिए आप जो टेम्परेचर यूज़ करते हो फ्रोजन सेक्शन बनाने में, वो -7 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस करते हो, और अनफिक्स टिश्यू सेक्शन के लिए आप -15 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस आप यूज़ करते हो। ओके।